हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के भी EVA 181 के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और साथ ही साथ इस वाले क्वेश्चन पेपर की आंसर की भी हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी हिंदी मीडियम की। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रही थी हिंदी मीडियम के इंपॉर्टेंट MCQs की, तो हिंदी मीडियम की मेरे पास बुक्स तो अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम के जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं उन्हें प्रिपेयर नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैंने ये आंसर की इंग्लिश मीडियम की आंसर की के बेस्ट पे मैंने इसे सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे देख सकते हैं, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। यहाँ पर आप लोगों को 50 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिना स्किप करें। इस आंसर की को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आप लोगों का 50 मार्क्स का आता है, इसे सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 2 आवर्स की टाइमिंग दी जाती है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर होगा फ्रेंड्स आप लोगों का पूरा MCQ बेस्ड होने वाला है, इसमें किसी भी तरीके का आप लोगों का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आंसर शीट नहीं OMR शीट प्रोवाइड की जाएगी। तो OMR शीट को आप लोगों को फिल करना होगा, एक पेपर सा दिया जाएगा। वो OMR शीट कैसी होती है उसके ऊपर मैं जल्दी ही वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिल जाए और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाएं। और फ्रेंड्स इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की भी आंसर की बहुत ही जल्दी अपलोड होने वाली है और साथ ही मैंने उनका जो पूरा कोर्स है वो कंप्लीट करा दिया है 14 के 14 चैप्टर का। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लोग उन वीडियोज को देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के दिसंबर 2021 की आंसर की हिंदी मीडियम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का खेत। ठीक है, ऑप्शन 3 आप लोगों का करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, तो आप लोग इसे टिक कर लीजिए। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का यहाँ पे, संभावनावाद शब्द किसने दिया? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का लुसियन फेवरे। ठीक है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे देखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का वायु में जीवन। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे यहाँ पे दे रखा है, जन भागीदारी को कम करने के लिए सुदूर स्थानों में बैठक आयोजित करना डैश का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 2 कार्य विधिक असमानता। ठीक है, ऑप्शन 2 करेक्ट है आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को, प्रकृति के प्रति निम्नलिखित में से किस एक विचार को प्रत सत्तात्मक वर्चस्व प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तावित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 4 पारिस्थितिकी नारीवाद। ऑप्शन 4 करेक्ट है आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे है, एनविस का मुख्य केंद्र स्थित है दिल्ली में? तो फ्रेंड्स ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए क्योंकि आप लोगों के रिविजन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास फेब 2021 का हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर है तो फ्रेंड्स इंग्लिश मीडियम वाली आंसर की को देखकर आप लोग उस पर टिक करके इन 2 क्वेश्चन पेपर को भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो भी आप लोगों की काफ़ी हद तक की हेल्प हो जाएगी। इस वाले क्वेश्चन पेपर को पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 18 मार्क्स की जरूरत होती है, तो 18 क्वेश्चन इनमें से आराम से यहाँ से रिपीट होने के चांसेस हैं। तो अगर आप लोगों ने इन दोनों आंसर की को अच्छे तरीके से कर लिया तो भी आप लोग इस वाले पेपर में पास हो जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे है यहाँ पे, प्राथमिक उपभोक्ता है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 8 पे यहाँ पे दे रखा है, दिए गए घटक डैश पानी में सल्फेट अम्लीय वर्षण तथा जीवाश्म ईंधन किसके भाग हैं? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 4, अवसादी चक्र। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। क्वेश्चन नंबर 9 पे है, पारिस्थितिकी अनुक्रम में अनुक्रम की अंतिम अवस्था को कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है चरम समुदाय। ऑप्शन 1 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे है आप लोगों का, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किसके रूप में होता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऊष्मीय ऊर्जा, क्योंकि सूर्य से प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऊष्मीय ऊर्जा, हीट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है, विश्व स्तर पर कौन सा क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के लिए सबसे अधिक प्रवण है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का एशिया। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी ताज ट्रेपेजियम जोन में नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का मथुरा शक्कर फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है, साइलेंट वैली डैश नदी की संकरी घाटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कुंथी। ऑप्शन 2 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए।
लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे दे रखा है 8000 BC के करीब विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 5 मिलियन। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है शीतोष्ण पर्णपाती वनों में होते हैं, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 4, पतली और चौड़ी पत्ती वाले 40 से 50 मीटर ऊंचाई वाले वृक्ष ये इसमें पाए जाते हैं आप लोगों के, शीतोष्ण पर्णपाती में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे यहाँ पे दे रखा है भारत में टीक एवं बांस के पेड़ साधारणतः पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे दे रखा है भारतीय घास स्थल पारितंत्र में जीव सहति अपनी चरम सीमा पर इस अवधि में होते हैं, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सितंबर से अक्टूबर तक। ऑप्शन 3 करेक्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, तो आप लोग इसे टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे यहाँ पे दे रखा है सरित लोटिक अलविड़ीय जलीय पारितंत्र का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का नदी रिवर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे दे रखा है कीटनाशकों विशेष रूप से DDT ने आबादी में कमी की, तो फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आप लोगों का समुद्री मछलियों में, तो ऑप्शन 1 जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे दे रखा है विशाल भारतीय गैंडे का स्थायी पुनर्वास बाधित हुआ था, तो ये हुआ था रिंडरपेस्ट रोग के कारण, तो फ्रेंड्स ऑप्शन 3 जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 पे यहाँ पे दे रखा है आक्रामक प्रजातियों की समस्या बढ़ेगी, तो किसकी वजह से, जलवायु बदलाव के कारण, तो ऑप्शन 1 जो है वो आप लोगों का करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे दे रखा है विदेशी प्रजाति जो त्वचा की एलर्जी पैदा करती है वो है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आप लोगों का ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट के पदनाम के लिए एक मानदंड नहीं है, यहाँ पे पूछा गया नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 4, अपेक्षाकृत कम अंतर जातीय स्पर्धा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे यहाँ पे दे रखा है किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता क्या प्रदर्शित करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 4, जैव प्रकृति की और जैव प्रकृति में पाए जाने वाली विविधता, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 25, और यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु केवल पश्चिमी घाटी में ही पाया जाता है, तो पश्चिमी घाटी में पाए जाते हैं आप लोगों के मालाबार ग्रेन हॉर्नबिल, तो फ्रेंड्स ऑप्शन 2 जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन 2 पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, और यहाँ पे दे रखा है झीलों और नदियों में जल का मुख्य स्रोत क्या है, तो फ्रेंड्स वो है आप लोगों का वाहित जल। ठीक है, वाहित जल मतलब ऑप्शन 2 जो है वो आप लोगों का करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। और यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों की बुक से लिए गए हैं, इनमें से कोई भी आंसर आप लोगों का गलत नहीं है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसके ऊपर बिलीव कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा लाल मृदा के लिए सत्य नहीं है, ठीक है, तो नहीं पूछा है इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 4, ये कपास चावल और मूंगफली की खेती के लिए अच्छी होती है। ठीक है, ये अच्छी बिल्कुल नहीं होती है इसके लिए, तो ऑप्शन 4 जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है एक जलभर होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 2, पत्थरों की वह परत जिससे होकर जल नीचे अंततः स्त्रावित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 है आप लोगों का अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दे रखा है क्षारीय मृदा के सबसे प्रणाली उपचार के लिए निम्नलिखित का उपयोग करना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जिप्सम, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित स्रोतों के प्रकारों में से इसके ऊर्जा प्रकाश वोल्टेज सेलों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सूर्य। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, और क्वेश्चन नंबर 31 पे यहाँ पे दे रखा है भारत में पहली तरंग ज्वारीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी थिरुवनंतपुरम में, तो फ्रेंड्स ऑप्शन 2 जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का चीन। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33, और यहाँ पे दे रखा है वह अधिकतम जनसंख्या जिसे प्रौद्योगिकी दिए गए स्तर पर पृथ्वी के संसाधनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों के ऑप्शन 1 करेक्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, और यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य योगदान देती है, तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का जल वाष्प वाटर वेपर, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, और यहाँ पे दे रखा है परावैग्नि विकिरण यूवी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 2, यूवी
वी ओजोन परत द्वारा अवशोषित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित में से किसके कारण मनुष्य में त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद हो सकता है? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का पराबैंगनी विकिरण, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। तो आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा और साथ ही साथ इनका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ लिंक चाहिए तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की या फिर प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए तो आप लोग उसके लिए भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जितनी ज़्यादा जिस सब्जेक्ट पर कमेंट होगी उतनी जल्दी आप लोगों को आपके सब्जेक्ट की वीडियो यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी। और उसके लिए सिर्फ आप लोगों को इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, साइड में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करना है ताकि जब भी आपके सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिल जाए, आपके एग्जाम के प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। और यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 37 में, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का द्वितीय पूछा गया है यहाँ पे, तो ओजोन ऑप्शन वन जो है वो आप लोगों का करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 पे यहाँ पे दे रखा है RSPM का सामान्य स्तर डैश होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन वन 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 39, और 39 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का ग्रीन हाउस गैसों का निष्कासन, ऑप्शन वन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, और यहाँ पे दे रखा है हॉटस्पॉट उच्च डैश के क्षेत्र होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का स्थानिकता, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 पे यहाँ पे दे रखा है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 के 1987 के संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन वन 41 के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे दे रखा है वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का 1980। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पे है अगला क्वेश्चन यहाँ पे, किस सम्मेलन में ओजोन परत की सुरक्षा को शामिल किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का वियना सम्मेलन, ऑप्शन वन जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। क्वेश्चन नंबर 44 पे यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य पुनर्चक्रीय अपशिष्ट नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 3 चिकित्सक अपशिष्ट, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। क्वेश्चन नंबर 45 पे यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का अपशिष्ट उपचार, ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, और यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट के निपटान निस्तारण का तरीका नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का सैनिटरी लैंडफिल, ऑप्शन वन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, भारत की जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आप लोगों का भारत में 6 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, तो ये जो है ये आप लोगों का करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन वन जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 पे यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा वन के पारिस्थितिक महत्व का निरूपण नहीं करता है? तो ऑप्शन 4 जो है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। और अगला क्वेश्चन है फिर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा गैर लकड़ी वन उत्पाद की श्रेणी में नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन 3, ठीक है ऑप्शन 3 करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। और लास्ट क्वेश्चन ये 50 नंबर का आप लोगों का इस वाले क्वेश्चन पेपर का, किस राज्य ने सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन को लागू किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों का पश्चिम बंगाल, ठीक है तो ऑप्शन सेकंड जो है वो आप लोगों का करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो आप लोगों की आंसर की है ये खत्म हो गई है, यहाँ पर हम लोगों ने आपके 50 के 50 MCQs के सॉल्यूशन को यहाँ पे डिस्कस किया है। होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो पाए। और फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलती रहे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से होती रहे। और फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में अपने सब्जेक्ट को जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूँ आपके एग्जाम से पहले। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।